तो दूसरे टायर का काम भी शुरू हो चुका है, इसका भी कर दूर कर दो। ऐसे नहीं देखो यार, क्या ये ऐसा लग रहा है मशीन वाला किया है ये, तो हमने स्प्रेड सफाई लिया जहाँ पे चेकआउट करो। दोनों टायर हमने दूसरी बाइक पे ले ली है और इसका ना वॉशिंग वॉशिंग होगी। पहले मैंने सोचा था कि बाइक को ना वहीं पे लगाएंगे। बाकी यहाँ पे देखो लग रहा है कि हमने किया हुआ पेंट इतना प्यारा हुआ है, थोड़े थोड़े स्पॉट्स रह गए क्योंकि बाहर किया है ना, बाहर दस्त होती है तो वो चिपक गई है। बाकी इसको ना दो तीन वेलकम बैक टू माय वीडियो। कैसे आप सभी लोग, होप करते हैं आप सब लोग एकदम मस्त होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। सो आज की दिन की शुरुआत हो रही है दोपहर से। जो रहने वाला आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, आज हम अपनी बाइक में थोड़े बहुत डीआईवाई मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो जो हम करने वाले वो इसके जो व्हाइट रिम रहते हैं जो कि बहुत बेकार है। मैंने जब भी मैं वीडियो बनाता हूं मैं बताता हूं कि यार इसके व्हाइट रिम ना मेंटेन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। मतलब चेन स्प्रे करोगे उसके बाद वो व्हाइट रिम इतने गंदे हो जाते हैं। तो आज हमने सोचा है कि इसका जो है कलर चेंज करेंगे और उसके लिए हम यूज करने वाले हैं स्प्रे कैन। और स्प्रे कैन कहां मिलेगा, वो मिलेगा हमें मार्केट में, तो वो फटाफट से लेके आते हैं। उसके बाद इसके जो है व्हाइट रिम वो ब्लैक कर देंगे। इसकी ना बॉडी हमने कल ब्लैक कर दी हुई थी, तो अभी आप देखोगे तो इसकी जो ये वाला पोर्शन है ना ये ब्लैक हो गया हुआ है। तो आज हम फुल इसका जो भी रिम वाला काम बचा है वो भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट टू द वीडियो। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख पा रहे होगे बाइक के टायर खुलना हमने स्टार्ट कर दिया भाई। पीछे वाला तो हमने खोल दिया, तो फटाफट से आगे वाला भी करते हैं, उसके बाद पेंटिंग जॉब जो है स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली गाइस यहाँ पे चेक आउट करो, दोनों टायर हमने दूसरी बाइक पे ले लिए और इसका ना वॉशिंग वॉशिंग होगी। पहले मैंने सोचा था कि बाइक को ना वहीं पे लगाएंगे, देन चलो चलते हैं इनको क्लीन कराते हैं उसके बाद पेंट कराएंगे। तो वॉशिंग वगैरह हो गई हुई है, तो अभी देख पा रहे होगे टायर कितना क्लीन लग रहा है। तो इसके ऊपर ना आप सबसे पहले पहला कोट मारेंगे एंड उसके बाद मैं आपको लुक चेक कराऊंगा। देखो ये वाला पेंट जो रहता है ना ये थोड़ा टेम्परेरी मान के चल लो रहता है, क्योंकि ये जो है कुछ महीने बाद उतर जाता है। तो थोड़ा बहुत अगर आपको शोखियाँ मार रही हैं और ऐसे मज़े के लिए कर रहे हो तो कर लो, वरना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मशीन वाला पेंट है वो कराना अपनी बाइक में। वो ज़्यादा टाइम तक टिकता है, मतलब वही रहता है यार, कंपनी फिटेड जो रहता है ना वो भी मशीन से किया हुआ होता है तो वो उतरता नहीं है आसानी से। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो है मशीन वाला पेंट आप अपनी बाइक में कराना। फाइनली गाइस यहाँ पे चेकआउट करो, इसका पेंट हमने कर दिया हुआ है, पूरा डन हो गया। फिनिश देखो यार क्या ये, ऐसा लग रहा है मशीन वाला किया है ये, तो हमने स्प्रे पेंट वो कैन आती है ना उससे किया है, लेकिन फिनिश बहुत तगड़ी आई यार। और दूसरा अभी यहाँ पे पड़ा है ना, अभी कैन मंगवाई है उसके बाद इसका भी करेंगे। तो दूसरे टायर का काम भी शुरू हो चुका है, इसका भी करते हैं जब लगाएंगे उसके बाद आपको लुक चेक करेंगे। सो फाइनली गाइस यहाँ पे देख पा रहे होगे पेंट वगैरह डन हो चुका है, तो अब इसकी जो है फिटिंग करते हैं उसके बाद आपको चेक कराते हैं। तो फाइनली गाइस काम हो चुका है डन, पूरा कंप्लीट हो गया है। मेरे को लगा नहीं था कि यार फाइनल रिजल्ट इतना अच्छा आएगा, बट जो है काफी अच्छा है। मशीन वाला पेंट ने ये जो स्प्रे कैन आती है वो सारा किया हुआ है। बॉडी में भी जो व्हाइट कलर का जो फ्रेम होता है ना वो जो व्हाइट रहता है वो भी हमने ब्लैक कर दिया हुआ है। तो अभी फाइनल लुक बताता हूँ, देखना कितना प्यारा है। चेकआउट करो यार, मेरे को जितना लग रहा है ना BS6 टू BS3 कन्वर्जन हो गया हुआ है, मतलब पूरी लग रही है ऐसा BS3 BS4 वाला मॉडल है। मतलब इतना प्यारा लुक आ रहा है ना, फुल ब्लैक। अब थोड़े बहुत दिनों में ना हम जो है ये वाला पोर्शन भी इसका ब्लैक करने वाले हैं और इसके उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी तक के लिए इतना ब्लैक कर दिया हुआ है, इसकी फिनिश अच्छी नहीं आई क्योंकि ये ना रेडियम नहीं थी, ये नॉर्मल जो टेप आती है वही वाली है, इसलिए इसकी फिनिश उतनी अच्छी नहीं है। बट काम चलाने के लिए हम देख रहे थे कि आखिरकार लुक कैसा आएगा। बाकी यहाँ पे देखो लग रहा है कि हमने किया हुआ पेंट इतना प्यारा हुआ है, थोड़े थोड़े स्पॉट्स रह गए क्योंकि बाहर किया ना, बाहर डस्ट होती है तो वो चिपक गई है। बाकी इसको ना दो तीन दिन में फिर क्लीनिंग करनी है, मतलब वॉश करना है अच्छे से, और ये बिल्कुल जो है अच्छा हो जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना कि बाइक कैसी लग रही है। मेरे हिसाब से यार 10/10 बहुत प्यारी लग रही है। बस थोड़े बहुत DIY करने हैं जो कि स्टिकर वगैरह लगाने, उसके बाद बाइक कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आप तक कि आपको कैसी लगी कमेंट में बताओ। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। बाकी बताना कि बाइक कैसी लग रही है। देखो ये वाला जो फ्रेम है ये हमने ब्लैक कर दिया हुआ है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।